वेलकम बैक विथ अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले कैसे फोटोशॉप में हम लोग कलर रेंज को यूज करके हम लोग कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी सिंपल ईजी वे से। 1 मिनट्स का वीडियो है, प्लीज़ विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया है, जो कि फ्री पिक्चर है। इसको मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। इसका कंट्रोल जे करते हुए आप डुप्लीकेट ले सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको इसको हाइड करना है और मेक श्योर बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करते हुए आपको जाना है सेलेक्ट पे और यहाँ पे कलर रेंज पे जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे कलर रेंज में जाते ही यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत मोस्टली यहाँ पे केयरफुल रहना है और यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन ठीक ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिसेबल करना है और आपको फेजीनेस 50% रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम 50% रख दीजिए 50%। और उसके बाद आपको मेक श्योर इन्वर्ट क्लिक होना चाहिए। मैं बताता हूँ अभी आप लोग को इन्वर्ट नहीं क्लिक करने से क्या होता है बोल के। इन्वर्ट क्लिक करना है तो वाइट एरिया, तो हम लोग का वाइट एरिया सिलेक्शन हो गया है। तो सिंपली इसको ओके क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं अभी इन्वर्ट किया है तो अंदर सिलेक्शन हुआ है, बट अगर इन्वर्ट में क्लिक नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, गो टू इन्वर्ट। अगर देख सकते इन्वर्ट कर देते तो बाहर आउटर सिलेक्शन हो जाता। इसके लिए मैंने ऑलरेडी उसमें इन्वर्ट में क्लिक कर दिया। तो फिर से हम लोग जाएंगे इन्वर्ट कर देंगे तो देख सकते सिलेक्शन हो गया। फिर से हम लोग कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देख सकते फाइनली हम लोग का पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। बट इसमें कुछ थोड़ा सा येलो दिख रहा है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे इलेजर टूल ले सकते हैं। इलेजर टूल लेने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर ब्रश से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इलेजर ही बेस्ट रहेगा, आप लोगों को कैसा इमेज चाहिए। और वन मोर थिंग, और जो मैं कलर रेंज यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक ही कलर में होता है, जस्ट कि एक ही कलर को सैम्पलिंग करता है वो कलर रेंज टूल, देन उसके बाद आपको क्विकली सेलेक्ट करके देता है। अदरवाइज हम लोग के पास मल्टी कलर रहेगा तो हम लोग को पेन टूल या फिर क्विक सेलेक्शन टूल यूज करना पड़ेगा। सो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और घंटे को भी दबा देना, सभी फ्री है भाई। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में।